नमस्कार दोस्तों, गौरव शुक्ला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे जाकर सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनहेरिटेंस इन सीसा डॉट नेट कंसोल एप्लीकेशन। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच चाइल्ड क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट क्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सीसा, देर आर फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सीसा। फर्स्ट वन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकेंड वन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड वन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड फोर्थ वन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बट इन सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लास, सो इंटरफेस कंसेप्ट कम्स फॉर दिस। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रोजेक्ट नेम इज कंसोल एप्लीकेशन, तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके उस पर ऐड करके एक नया क्लास लेंगे, क्लास का नाम देंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ऐड कर देंगे। क्लास ऐड हो जाएगी, उसके बाद उसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। चलिए इसमें सबसे पहले लेंगे हम लोग मेन मेथड, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी क्या होता है, एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। सबसे पहले हम लोग पेरेंट लेंगे, क्लास, क्लास का नाम दिया हमने पेरेंट। इस क्लास पेरेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कोई मेथड ले लेंगे। सपोज हमने लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वन, इसके अंदर हमने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन में आई एम बेस क्लास। इसी प्रकार से एक और क्लास लेंगे इसका नाम देंगे चाइल्ड, चाइल्ड क्लास क्या करेगी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। तो कैसे यहाँ पे एक्सटेंड करता है सी शार्प में, कोलन क्लास चाइल्ड कोलन पेरेंट, मीन्स आपका चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी मेथड डाल देंगे हम लोग, उसका नाम देंगे डिस्प्ले टू। और ये मेथड जब आएगा तो क्या बोलेगा, आई एम डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये हमारा पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया। अब हम लोग क्लास के अंदर मेन मेथड में आएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा इनहेरिटेंस के मामले में कि मेन मेथड के अंदर आप हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप जितने भी चाइल्ड या पेरेंट हैं सबके फंक्शन को या मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड आपका है सी एच आई एल डी चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का आपने बनाया सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, आपने क्या किया चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब सी डॉट, देखिए जैसे आपने सी डॉट किया आपको डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू दोनों मेथड दिख रहे हैं, यानी आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड के मेथड को भी बुला सकते हैं और जो पेरेंट है उस पेरेंट के मेथड को भी बुला सकते हैं। तो मैंने देखिए चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड को बुला लिया, जो पेरेंट के अंदर है वो भी और जो चाइल्ड के अंदर है वो भी। बाद में स्क्रीन को रोकने लगा दिया कंसोल डॉट रीड, ये बन गया हमारा प्रोग्राम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में हम जाके लेंगे कंसोल एप्लीकेशन डॉट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आके यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद देखिए आउटपुट विंडो है हमारे पास, इसमें देखिए हमको दोनों आउटपुट मिल रहा है, आई एम बेस क्लास एंड आई एम
ड्राइव क्लास। तो ये था दोस्तों आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।